again. So let's go. My viewers gonna love this. Hello friends, welcome to my channel Tech Hunger. I'm Harshvardhan Singh. You are here for latest tech news and viral website reviews. आज हम बात करने वाले हैं TapSap scam के बारे में. तो इसके बारे में हम बात करेंगे, क्या ये scam है या फिर नहीं, ये real है और क्या इस पर आप mining कर सकते हैं कि या नहीं. इस TapSap पर real और fake and you should माइनिंग और इन्वेस्टिंग योर मनी और ऑन इट और नॉट. तो इस बारे में पूरे जो बज फैला हुआ है उसके बारे में पूरी बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या प्रोसेस है इनको ज्वाइन करने का. तो सबसे पहले आप यहाँ इनके ट्विटर ऐप वेबसाइट ट्विटर प्लेटफॉर्म पर जाकर यहाँ पर TapSap करते हैं तो आपको ये दिखता है. और जस्ट इन्होंने अभी इसी मंथ ये ज्वाइन किया और ये बिल्कुल ही नया क्रिप्टो है. लिस्टिंग इसकी अभी बिनेंस पे होने के लिए काफी सारी चीजें बोला जा रहा है कि कभी कभी ये फेक है या फिर नहीं है, बिनेंस ने क्यों लिस्ट कर दिया है या फिर नया है. कई सारी क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं कि क्या हमें इसमें माइनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ऐसी कई सारी क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन देखने को मिलते हैं. तो यहाँ पर आपको बता दूं कि 5.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके और इनके कई सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जिससे आपको लग सकता है कि काफ़ी जेन्युइन है और बिनेंस पे इनकी लिस्टिंग है. तो इनके कुछ फॉलोअर्स मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक कौन कौन इनको फॉलो करता है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BNB चैन है. तो ये इनके कुछ ऑफिशियल्स जो बिनेंस जैसे आप देख सकते हैं तो ये ऑफिशियल लोग ही इन्हें फॉलो भी कर रहे हैं. तो एक तरह से कई सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिलती हैं कि जिससे लगता है कि ये एक जेन्युइन ऐप है, जेन्युइन वेब प्लेटफॉर्म है फॉर क्रिप्टो माइनिंग. तो यहाँ पर आप जैसे आते हैं इसकी वेबसाइट पे तो ये आपको ज्वाइन करने के लिए बोलता है टेलीग्राम. और टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पर आपको स्टार्ट करने के लिए बोला जाएगा एंड यहाँ पर आपको प्ले करने के लिए बोला जाएगा. तो ऐसे ऐसे ये ऐप शुरू होता है और इसी तरह से ये वर्क करता है. अब इसके बारे में हम कुछ कम्युनिटीज से रिव्यू लेते हैं कि इसके बारे में कम्युनिटीज का क्या रिव्यू था. तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इसके बहुत सारे डीमेरिट्स हैं और बहुत सारे इसके प्रोज भी हैं और कौन से भी होंगे तो उस पर हम बात करते हैं. तो ये TapSap है जो कि वो 2024 मार्च में ही लॉन्च हुआ है और ऑपरेट करता है टेलीग्राम के थ्रू. और इस पर सपोजली कई सारे वर्क होते हैं जैसे कि रिसीव टैपिंग करना, क्रिप्टो करेंसी जनरेट करना और बोस्ट करना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है. तो बात करते हैं कि क्या TapSap लिगिट और स्कैम है. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखी गई हैं कि ये इसमें सिक्योरिटी इश्यूज भी देखे गए और कई सारे ऐसे इश्यूज जैसे कि इसकी बिनांस पे लिस्टिंग के लिए अभी काफ़ी सारी अड़चने आ रही हैं और काफ़ी सारे अभी ब्रेकर्स हैं और कई सारी ऐसे बातें भी हो रही हैं कि बिनेंस पे क्या इसकी लिस्टिंग होगी या नहीं होगी. बस एक तरह से हम देखते हैं कि फॉलो जो उनकी फॉलोइंग है उस पर ज़्यादा ध्यान जाता है. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो इसके डाटा इश्यूज जो कंसर्न है जैसे कि इसमें लर्निंग के लिए तो ठीक है, बट एक अल्टरनेटिव अगर आपको मैं इसका बताऊं तो इस पर आप देख सकते हैं अल्टरनेटिव और भी कंसीडर कर सकते हैं. तो एक जो हमें फीडबैक मिलता है वो यहाँ पर आपको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ, वेस्टेड टाइम एंड एफर्ट्स. यहाँ पर आप कंप्लीट अपना टाइम वेस्ट करते हैं और एक क्रिप्टो करेंसी जनरेट करने के स्कैम बताया जा रहा है इसके कि स्पेंडिंग टाइम एंड एफर्ट एक्युमुलेटिंग समथिंग पोटेंशियली वर्थलेस इज अ सिग्निफिकेंट लॉस. डाटा सिक्योरिटी कंसर्न्स भी बताया जा रहा है और गेटवे टू बिगर स्कैम्स. मैंने और भी रिव्यूज को देखा और सुना, उन्होंने भी कुछ ऐसी तरह का ही रिव्यू दिया है. बाकी जब तक आपको अपनी तरफ से, चाहे आपके इसके कितने भी फॉलोअर्स हों, चाहे इसके कितने भी लिस्टिंग हो, इसका इसकी बैलेंस रेटिंग अच्छी हो या फिर इसकी जो लिस्टिंग है वो सारी चीज़ें आपको जो एक ग्रीन फ्लैग्स होते हैं वो सारे टिक हों तभी आप इस पर माइनिंग करें, तभी आप इसको ज्वाइन करें. और डोंट कनेक्ट एनी अदर ऐप विद TapSap क्योंकि TapSap का ही पूरा फिर उस पर अपना ओवरऑल वो अपना एफर्ट करेगा और उस पर ही सारी चीज़ों पे वो कब्जा करता है. ठीक है, तो मतलब जैसे ही आपने किसी इसके साथ किसी ऐप को कनेक्ट कर दिया तो जो भी आपको उस पर पैसे होंगे वो इससे भी TapSap
भी उस पर अपना रिडायरेक्ट करता है और टैप स्वैप भी उस पर अपना अधिकार लेता है। तो ये पावर्ड बाय सोलाना है, जो सोलाना की लिस्टिंग से होता है। तो इस तरह की मैं आपको बताता हूँ कि ये बहुत ही अभी, तो माय लास्ट कमेंट इज कि ये अभी ऐसा है कि बताया नहीं जा सकता, तो अपनी पूरी रिसर्च के बाद ही करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, क्लिक द लाइक बटन। थैंक्स।